श्रीनगर के नेहरू पार्क में है और यहाँ से इवनिंग का अगर हम बात करें तो डल लेक में इवनिंग की अलग शान होती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कैसे इस झील में देसी विदेशी पर्यटक अपनी शान को रंगीन करते हैं। और यहाँ झील डल के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो हम भी चलते हैं डल लेक की शाम की सैर पे। आज हम आपके लिए एक विशेष सौगात लेके आए हैं, जिसका आगाज पहले ही हो चुका है। हमने आज आपको कश्मीर के मनमोहक झील डल की यात्रा पर अपने साथ लिया है। इस शांत शाम के जादू में डूबने के लिए आप तैयार हो जाएं। आज आप इस झील के तिलिस्म से खुद को नहीं बचा पाएंगे। यहाँ की हवा आनंद और उत्साह से भरी रहती है। झील के पानी पे रंग बिरंगे शिकारों में बैठे नवविवाहित जोड़े, खुशहाल परिवार और उत्साह भरे लोग इन शिकारों को और सजा देते हैं। हाउस बोट के सामने फ्लोटिंग गार्डन है और इसे कश्मीरी में रात कहते हैं। और इन्हीं रातों पे यहाँ सब्जियां भी उगा दी जाती है। बोट में ही मटका कुल्फी बिक रही है। डिफरेंट टेस्ट खा के देखो। होममेड कुल्फी है। 50
यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट्स है। याद आता है जब हम सुखू के एक्सकर्शन में डूंगू में जाते थे, डल में लोग जाते थे, वहाँ कश्मीरी म्यूजिक को हफ्ते में जाते वाजवा होता था, लोग जाते थे बड़ी प्रोग्राम था, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मानी करता हूँ दरियाओं का था, तो डाल बड़ा खूबसूरत था। अब सूरज दुनिया के किनारे के करीब पहुंच चुका है, ये हमें जाते जाते भी दिन का अंतिम उपहार के साथ विदा ले रहा है। रंगों की एक सिम्फनी इस समय बन रही है, जैसे कोई प्रकाश और छाया का नृत्य चल रहा हो। सूरज विदा लेते ही अपने पीछे एक गर्म लाल रंग की चमक छोड़ चुका है, जो हमें इस जादू से जोड़कर हमारी शाम को और रंगीन बना चुका है। शिकारों में बैठे टूरिस्ट कैसे इन खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई कहवे की चुस्की ले रहा है और कोई इन खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमराज में कैद कर रहा है, और वहीं साथ में यहाँ पे बर्ड्स आप देख सकते हैं। झील के साथ सिनेमा का भी गहरा नाता पहले से ही रहा है। 90 से पहले बॉलीवुड की शायद ही कोई फिल्म ऐसी रही हो जिसमें कश्मीर और डल झील में शूटिंग न हुई हो।